हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं 100 मार्क्स इंग्लिश का क्लास 12 वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, 100 मार्क्स जो लोग स्टूडेंट्स रखे हैं दोस्तों, उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को बोर्ड में, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा उस चैप्टर से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग लास्ट तक, और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा कि किस तरह के लेवल रहते हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में और किस तरह के इंग्लिश में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम चैप्टर वाइज आप लोगों को बताएंगे, उसके बाद ग्रामर सेक्शन बताएंगे, उसके बाद जो है आप लोगों को सेट बाय सेट बताएंगे। तो आप लोग चैनल के माध्यम से बने रहिएगा दोस्तों। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के जितने भी वीडियोज आए दोस्तों सेट बाय सेट आप लोगों को, अभी तो सिर्फ चैप्टर वाइज आप लोगों को बता रहा हूँ, आगे सेट बाय सेट आएंगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 नंबर आप लोग लेकर आ सकते हो। तो बने रहिएगा दोस्तों इस चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, और मुझे बताना भी दोस्तों आप लोग को इतना जितना भी बता रहा हूँ उसमें आपको कितना सही आ रहा था, मतलब जानते थे पहले से। तो ये जो पहला चैप्टर है दोस्तों 100 मार्क्स में, बिहार बोर्ड स्पेशल की बात कर रहा हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से। तो उसका लेखक कौन है दोस्तों, किसके द्वारा रिटेन किया गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है रिटेन किया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। इंडिया इज ग्लोरी इज डैट इट, ठीक है, इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट। यहाँ पे एक का सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों रिमेंस इमोवेबल, ठीक है, रिमेंस इमोवेबल। तो ये आप लोग के बुक से है सारा क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप लोग पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो एक का सही उत्तर आपका रिमेंस इमोवेबल। ठीक है, दो नंबर है कि द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डैट, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डैट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों क्या होगा, हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज इग्नोरेंट एंड अस्टोल्ड, ठीक है, अस्टोलिड। यहाँ पे दो का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज इग्नोरेंट एंड अस्टोलिड। ठीक है, यहाँ पे दो का सही उत्तर आपका बी होगा। देखिए दोस्तों किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ऐसे भी तो आप लोगों को सिर्फ रिटेन अगर राइटर का नाम याद कर लेते हो तो आप लोग 10 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो 100 नंबर इंग्लिश में। उसके बाद ग्रामर सेक्शन से रहेगा दोस्तों 20-30 क्वेश्चन, तो वो आप लोग आराम से कर सकते हो अगर ग्रामर पर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, तो कितने साल से कितने साल तक रहा था दोस्तों गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। तो ये जो रहा था आपका 1915 से 1948, ठीक है, जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटा था उसके बाद 1948 तक था, जब तक इसका मृत्यु नहीं हो गया था। तीन का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे 1915 से 1948। ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, ठीक है, तो यहाँ पे चार का सही उत्तर आपका हो जाएगा मेटेरियलिटी। ठीक है, मेटेरियलिटी हो जाएगा यहाँ पे, चार का सही उत्तर आपका सी, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, तो यहाँ पे चार का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा मेटेरियलिटी। पांच नंबर है कि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए मोरल विंग, ठीक है, मोरल विंग है यहाँ पे, पांच का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। ये सभी सेट बाय सेट मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोग देख भी लेते हो इस तरह के क्वेश्चन, आप लोग अगर दिमाग में बैठा भी लेते हो तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और इस तरह के ऑप्शन देखते ही आप लोग मार सकते हो। यहाँ पे छः नंबर है कि मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स एंड वी लूज आवर, ठीक है, मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स एंड वी लूज आवर, यहाँ पे छः का मोरल फाइबर, ठीक है, तो यहाँ पे छः का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा मोरल फाइबर। सात नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पॉलिटिक्स, ठीक है, सात का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा पॉलिटिक्स। आठ नंबर है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, यहाँ पे आठ का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा महात्मा गांधी। नौ नंबर है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है दोस्तों मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो वो है आपका नॉन वायलेंस, ठीक है, तो यहाँ पे आठ नौ का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, नॉन वायलेंस पे आधारित है। दस नंबर है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज, क्या है दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ,
स्टोरी है, नोवेल है, या फिर ऑटोबायोग्राफी है, या फिर बायोग्राफी है। तो जानते होंगे दोस्तों, ये एक बायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का सूत्र आपका डी हो जाएगा। ये बुक का नाम है जो बायोग्राफी किसी के व्यक्ति के ऊपर लिखा गया है। 11 है कि ही वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो वो था दोस्तों आपका मोहनदास करमचंद गांधी। तो 11 का सूत्र आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी। ही वाज ए मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ठीक है, 11 का सूत्र आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर के, व्हिच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड। कौन ऐसा सिविलाइजेशन है दोस्तों जिसको वर्ल्ड में कभी बीट नहीं किया जा सकता है? तो वो है आपका इंडियन सिविलाइजेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का सूत्र आपका बी हो गया। हु इमेजिन्ड डैट दे विल अवॉइड टू द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका यूरोपियंस। ठीक है, हु इमेजिन्ड डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम। तो ये यूरोपियंस हो जाएगा। यहाँ पे 13 का सूत्र आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग दोस्तों पहला चैप्टर से किए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर आप लोग पढ़े होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहीं, तो आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा थोड़ा सा भी, कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन मैंने पढ़ा है और आप लोगों को पता चल गया होगा। आप लोग कितना जानते थे दोस्तों इस क्वेश्चन में, जैसे जितना मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन बताऊँगा, जितने भी चैप्टर आएंगे दोस्तों, उसका तो सबसे पहले आप लोग को राइटर का नाम रट लेना है कि राइटर कौन है इसका। ठीक है, अगर वो आपको याद रहता है तो आप आराम से 30 नंबर में 10 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो। अगर बुक की बात करें तो बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के जितने भी वीडियो डालूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डालूंगा, जाके आप लोग देख सकते हो, और मॉडल पेपर को डाउनलोड कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।